ये धर्म की नगरी प्रयागराज है, यहाँ खुदा भी सुनता फरियाद है। विद्या ज्ञान और लेखक में प्रयागराज अलबेला है, अध्यात्म यहाँ रचता बसता लगता संतों का मेला है। अध्यात्म यहाँ रचता बसता लगता संतों का मेला है, सत्य का रक्षक न्यायालय है पाप नाशिनी गंगे माँ। सत्य का रक्षक न्यायालय है पाप नाशिनी गंगे माँ। सच पूछो तो देवों की भूमि ये दुनिया भर में अकेला है। सच पूछो तो देवों की भूमि ये दुनिया भर में अकेला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला प्रयागराज से। अभी आ चुके हैं प्रयागराज किसान संगम नगरी पर, और यहाँ पर चल रहा है माघ मेला की तैयारी। तो चलिए आज आपको पूरे माघ मेला की तैयारी दिखाते हैं, और उससे पहले संगम में स्नान करते हैं। मोदी लगे तो बोला कहा बोला चाहो तुम मोदी के पेट के रोटी कमाई खाई थी। हाँ। उठा उठा ट्रैक्टर से लगा के फेंक दिए थाने नाके में। हम लोग कहा बच्चन की जी आई पहले यहाँ दरे बात करता हूँ लगा भाई वहाँ लाश से मार देते यहाँ पोरे पूछ जाता कहाँ जाई भाई। अरे तो अब तो मेंटेन कर तुम अपन काम कर हम अब लोग जहाँ कह देवा काम हुई हट जा भाई अपने बगल लगा ले। यहाँ पर देख सकते हैं काम जो है चालू है, जमीन को लेवल किया जा रहा है ट्रैक्टर से, मिट्टी को ऊपर से घसीट के नीचे ले जाके छोड़ दिया जा रहा है वहाँ पर। तो इस तरह का काम अभी यहाँ पर चल रहा है। तो यह है हमारे प्रयागराज की शान, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। और इस संगम क्षेत्र पर जो इस बार मेला लग रहा है, वह मेला 6 जनवरी 2023 से शुरू होकर के 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर समाप्त होगा। तो अभी हम स्नान कर चुके हैं, और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला की तैयारी कैसी चल रही है और क्या क्या चीजें इस बार होने वाली है। और यहाँ पर आप किले के साइड में आकर के यहाँ से आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर नाव आपको मिल जाएगी, नाव से आप जो है संगम में जाके स्नान कर सकते हैं, और नाव से जो है यहाँ का बृहद दृश्य का आनंद ले सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं अभी से ही। जो लोग कल्पवास करते हैं वो सब भी आना शुरू कर दिए हैं। अब जैसे ये लोग आ रहे हैं, ये लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं, इस वजह से पहले ही आ गए हैं। इस मेले में 5 पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें पहला पर्व पौष पूर्णिमा 6 जनवरी दिन शुक्रवार को है। दूसरा पर्व मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी दिन शनिवार को है। तीसरा पर्व मौनी अमावस्या 21 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को है। चौथा पर्व माघी पूर्णिमा 5 फरवरी दिन रविवार को है। छठा पर्व महाशिवरात्रि यह अंतिम पर्व है, जो कि 16 फरवरी दिन शनिवार को है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं पाइपलाइन बिछ रही है, और अभी हम लोग जहां पर है वहां पर टेंट सिटी बसाई जाती है। तो ऑलमोस्ट 50% काम कंप्लीट हो चुका है, 50% काम ही बचा हुआ है। इधर जो है पाइपलाइन बिछाई जा रही है पानी पीने के लिए, और सीवर लाइन जो है बिछाई जा रही है। और मुंशीगिरी है। अच्छा, तो मुंशीगिरी में है अभी तो, हाँ लेबर है काम कर। अच्छा, एंकर पतंग कलाई लहन हो, पाइपलाइन बिछा दी पानी वाली है। अच्छा, तो तू ठीक है मुंशी है ना, बड़ा मेहनत करता है यार, बहुत मेहनत पड़ जाती है। अरे दिखाते ही बताई सकल देखत है, भूत बनी बात है, क्या करें गंगा माँ का। आओ गुरु। अरे यार है, और जुम कर दो सर। हाँ खोला हो, खोलो चेहरा, खोलो चेहरा। अरे खोला है यार, तू ऐसे खींच जाता है खोला। अरे तू तो मेरा आरू बन गया है गुरु। अभी हम हैं यमुना घाट के पास में, और इधर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई सारी नाव लगी हुई हैं, जिनको नाव से यमुना का मज़ा लेना है या संगम तक जाना है, उन सब के लिए यहाँ पर जो है नाव लगी हुई है। अब यहाँ का जो रेट है वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन जो लोकल रेट है, जो यहाँ का एक फिक्स रेट है, वो 60 रुपये है। इस समय पर जो चल रहा है वो 60 रुपये है, लेकिन अगर आप अकेले आते हैं या आप बाहर से आते हैं
तो ये लोग ज्यादा रेट बताते हैं। अगर आप उनसे फिर कंसेशन कराना चाहें तो फिर वो लोग कर देते हैं आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैमल राइडिंग के लिए भी ऊँट आ गए हैं। यहाँ पर पहले भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अब कुंभ के समय थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, और जिससे लोग जो है कैमल राइडिंग कर सकें। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग इस समय पर आना शुरू कर दिए हैं। अभी कुंभ शुरू नहीं हुआ, अभी यहाँ पर तैयारी बस चल रही है, लेकिन आम दिन के मुकाबले इस समय पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं इधर फाउंटेन ब्रिज तैयार हो रहा है, और अभी इस पर जाने के लिए रोक दिए हैं लोगों को, क्योंकि पहले जो है बच्चे फोटो खींचने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए उधर चले जाते थे, तो कोई घटना ना हो इस वजह से उन्होंने रोक दिया है। और इधर आप देख सकते हैं जो घाट बन रहा है, ये नागा साधुओं को नहाने के लिए बन रहा है, मतलब आम पब्लिक भी नहा सकती है, लेकिन जो सुबह सुबह नागा साधु नहाने आते हैं उन सब के लिए ये घाट बनाया जा रहा है। अभी हम हैं फाउंटेन ब्रिज पे, और ये अभी बना नहीं है पूरा, आधा तैयार हुआ है, आधा नहीं, आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन चाचा थे उनसे मैं पूछ के चला आया हूँ। यहाँ पर जो गंगा जी की धारा है ना, वो काफ़ी तेज़ है, और अभी पूरा बना नहीं, मतलब रेलिंग वेलिंग पुल की लगी नहीं हुई, तो थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन जो व्यू है ना, और जो साउंड है ना, वो काफ़ी मज़ेदार है। साउंड तो बहुत तेज आ रहा है, लेकिन ये जो साउंड है ना, वो सुकून देने वाला साउंड है यहाँ का।